मैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के रेसिडेंस के बाहर खड़ी हूँ, जहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में आंगनवाड़ी कर्मचारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने उनसे बात करी और ये जानने की कोशिश करी कि उनकी क्या मांगे हैं, वो लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं और कोविड के दौरान उन्हें क्या क्या परेशानियाँ आईं अपना काम करने के लिए और सरकार की तरफ से उन्हें क्या मदद मिली। आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है। हम कर रहे हैं, हमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी मेरी मतलब इतनी बहनें हैं, सब काम कर रही हैं, बहुत बहुत सालों से कर रही हैं। बट गवर्नमेंट थोड़ा सा हमारे फेवर में तो कोई डिसीजन ले ना कि अगर हम इनसे काम करा रहे हैं तो इनके लिए हम क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल ही नहीं सीखने की जरूरत है, सीखने लायक कुछ है भी नहीं तो सीखेंगे क्या? कभी पेंशन की इंक्वायरी करो, पेंशन की इंक्वायरी भी हमसे करवाते हैं, सीनियर सिटीजन्स की भी इंक्वायरी हमसे करवाते हैं, लेकिन उसका एक पैसा हमें नहीं मिलता। हमें कुछ नहीं पता चलता कि पैसा कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है। हमारी अगर एज पूरी हो जाती है तो हमारे लिए कोई भी बेनिफिट्स नहीं है कि जैसे पेंशन का है या हमें किसी भी तरह का इंश्योरेंस है या हमारे पास या कोई भी क्लेम है हमारे पास में, और किसी भी तरह का कोई फंड बोनस हमें किसी भी तरह की कोई भी हमें सुविधा यहाँ पे नहीं दे रखी। बहादुर बहनों को प्रगतिशील महिला संगठन का क्रांतिकारी अभिनंदन। काम काफ़ी बढ़ा दिया गया है लेकिन हमारा मानदेय भत्ता जो है, मानदेय भत्ता तो अब हम चाहते भी नहीं है कि हमें मानदेय, हमारी सैलरी बननी चाहिए। हमारी सैलरी अभी तक कुछ भी नहीं करा है कि बढ़ाई जाए या कुछ किया जाए, ना हमारी बढ़ा रहे हैं ना हमारी सुनते हैं। मानदेय भत्ता क्या है कि हम सेवा करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर हमें कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो ना, अगर कुछ कर पाए तो कोई नहीं है, हम पे प्रेशर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मानदेय भत्ता देने के बाद भी ऐसे हम पे प्रेशर डालते हैं जिसकी हमें सैलरी दे रहे हैं। मानदेय भत्ते का मतलब क्या हो गया कि भैया हम काम जिस टाइम पे भी हमारे पास टाइम होगा, हमारे पास टाइम लिमिट बांध रखी है, हमारे पास इतने SSK के भी हमारे पास काम भेज दिया गया है कि इसका काम करो। जब मैं लगी थी 275 में लगी थी, इतना मानदेय कम है और अब भी इतनी महंगाई हो गई है, हमसे इतना काम लेते हैं और अब मेरा रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट के बाद भी कोई पेंशन का हिसाब नहीं है, इन्हें पेंशन देनी चाहिए। हम जवानी में लगे थे, आज हमें बुढ़ापा आ गया है, 100 बीमारियाँ लग गई हैं, उसके बाद भी हम काम करके देते हैं। जो काम हमसे मांगा जाता है आंगनवाड़ी के अंदर, उस काम को हम करते हैं। रजिस्टर पर कितना करा रखा है, या तो आप रजिस्टरों को ही ले लो या तो आप फोन में ही करा लो। नेट का खर्चा हमारा दिया नहीं जा रहा, 2 साल से हमारा नेट का खर्चा नहीं आ रहा, जबकि नेट के रिचार्ज के पैसे डबल हो चुके हैं। आज महंगाई कहाँ, जैसा कि मैडम ने कहा ही था, हमारी शिवानी मैम ने कहा था कि महंगाई कहाँ तक पहुँच गई है। आज नेट के खर्चे बढ़ गए हैं, हर राशन पानी के खर्चे बढ़ गए हैं, उस हिसाब से हमें उस लेवल की तनख्वाह हम जो डिमांड कर रहे हैं 25,000, उसके हम हकदार हैं, वो हम लेके रहेंगे। जो लेडीजें सड़कों पे उतरी हैं वो मजबूर होके उतरी हैं, बेलगाड़ी करवा रहे हैं, उनसे डराया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है, उनका टर्मिनेशन कर दिया जाएगा। बहुत लोगों को तो मीमो भी इशू कर दिए हैं, बहुत जगह ऑफिसर, कल भी एक मैसेज जारी किया गया कि आप लोग को हम परमिशन नहीं देते हैं, वो हमारे अधिकारों का आनंद कैसे कर सकते हैं। हमारा संवैधानिक अधिकार धरना प्रदर्शन हमारा राइट है, जिसको सरकार हमसे छीनने की कोशिश कर रही है और हम ऐसा होने नहीं देंगे। पोषण ऐप पर काम तो हमें पूरा करना होता है कि मतलब जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो हमें अपडेट भी करना है कि हमने जो लिया है वो एक्चुअली एरिया में लोगों को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, ये डिटेल्स हमें अपने लेवल पर देनी होती है। हाँ, लेकिन ये कि उसका जो वर्क है ना, बहुत टफ है कि वो सर्वर वर्क ही नहीं करता है। जब भी उसको वर्किंग आवर्स में अगर हम ओपन करते हैं, ऑड टाइम में चलना उसका, सुबह 7 बजे 8 बजे या फिर रात में 10-11 बजे के बाद, तो फिर मैडम थोड़ा सा मुश्किल है इसमें। जो 2018 में मोदी ने 1 अक्टूबर से हमारे वर्कर के 1500 रुपये और हेल्पर के 750 रुपये बढ़ाए थे, वो हमें आज तक नहीं मिले हैं। केजरीवाल ने क्या किया है, इसने मैडम जो हमारे भत्ता बढ़ाया था, जो हॉनेरियम बढ़ाया था, उसमें अपना शेयर निकाल कर और केज उसका मोदी का शेयर डाल दिया। जब उसने हमारा भत्ता बढ़ा दिया तो मैडम उसने उसमें से निकाल कैसे लिया, मतलब क्या कर रही है ये क्या कर रही है ये।